हेलो दोस्तों, तो आप लोग अच्छे हो गए। हेलो दोस्तों, कैसा हाल चाल है? आप लोग सब लोग अच्छे हो गए, सबका परिवार अच्छा हो गया के। तो आज आप लोगों की नेक्स्ट पार्ट की क्लास है, तो आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करिए। सपना एक देखोगे तो मुश्किल हजार आएगी, सपना एक देखोगे तो मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आप लोगों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है, जहाँ तक हम लोगों ने सेवन के ये पार्ट तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आज सेवन का एफ पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो लिखा है कि सिद्ध करो कि बिंदु सिद्ध करो बिंदु बिंदु ए कॉमा ए और माइनस ए कॉमा माइनस ए और माइनस ए कॉमा अंडर रूट थ्री ए कॉमा अंडर रूट थ्री एक संभाव त्रिभुज है, एक संभाव त्रिभुज कोई नहीं, पसीना आ रहा होगा कोई नहीं, क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता, थोड़े दिन की गर्मी रहेगी, आगे बंद हो जाएगी गर्मी, क्योंकि इतनी सारी लाइट लगा रखी है। आप लोगों ने पिछली क्लास में कमेंट किया कि सर भैया क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो इसलिए हम लोगों को लाइटें बढ़ानी पड़ी, तो गर्मी आएगी तो उसकी कोई बात नहीं, बस आपको क्वेश्चन पर डिस्कस करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या है, संभाव त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए हमने रूल बताए थे कि संभाव त्रिभुज जब सिद्ध होगा लगे, जब हमारी कोई भी क्या होंगी लगे भुजा बराबर होंगे, संभाव त्रिभुज सिद्ध करने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बराबर होनी चाहिए। क्या बोला, जब रूल आप लोगों को पिछली क्लास में देखे होंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको यही नहीं पता संभाव त्रिभुज क्या होता है, समलंब त्रिभुज क्या होता है, तो आपको कैसे डिस्कस कर पाओगे। तो क्या है, संभाव त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए उसकी तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, इसको दे दिया ए बी और सी, पहले क्या निकालेंगे ए बी निकालेंगे, तो फार्मूला होता है जो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 में कितना लिखा है, माइनस का ए, x1 ए का स्क्वायर प्लस y2 में कितना लिखा है, माइनस का ए, और y1 कितना है, माइनस ए, माइनस वन से माइनस के 2a का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का 2a का स्क्वायर, तो कितना हो गया कि फोर ए स्क्वायर प्लस कितना आ गया कि फोर ए स्क्वायर, ठीक कितना हो गया एट ए स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट निकाला, तो एट ए का, और बहुत सिंपल एट ए का हमें क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है, तो अंडर रूट निकालना है। तुम्हारे पास ए बी इसकी कितनी निकल गया, अगर एक चीज देखो आप लोग कि फोर फोर इसका कितना आ जाएगा, हमारे फोर फोर कितना एट होगा, एट आ गया रखे, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं फोर को फोर, और हमें इसके स्क्वायर हटाना है तो इसको अलग अलग पार्टों में तोड़ भी लिख सकते हैं बीच में, तो फोर ए स्क्वायर, तो ए कितना आ जाएगा टू ए स्क्वायर टू ए, और ये कितना आ जाएगा टू ए, तो कितना आएगा फोर ए। हमारे पास ए भी कितना निकल गया कि फोर ए इज द राइट आंसर, ये भी हमारे निकल के आ गया फोर ए इज द राइट आंसर, ठीक। अब इसका हम क्या निकालेंगे, जबकि ए बी हमारे पास निकल आए बहुत सिंपल तरीके से, अब इसका हम निकालेंगे बी सी, तो बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस ए अंडर रूट थ्री माइनस, और एक्स वन कितना देखा, माइनस का ए, वाई टू में कितना देखा ए अंडर रूट थ्री माइनस, वाई वन कितना देखा, माइनस का ए। अब देखो
अब एक चीज देखना, माइनस का एक हमारे पास कितना हो जाएगा, और इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे जाके, क्या माइनस के ए और तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और इसके हम क्या करेंगे, इसका फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जाके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे जाके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। फिर से देखो इसकी वैल्यू तुमने गलत नहीं लिखी, बुक में देखते एक बार, हम क्वेश्चन गलत बाई चांस भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन गलत, क्या लिखा है, माइनस के ए का मान अंडर रूट थ्री सही है। अब इसमें क्या लगाएंगे, ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए किसका होता है, ए प्लस बी का होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए किसका होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम ये वाले फार्मूले, अब एक चीज देखो, माइनस का अंदर आके प्लस हो जाएगा तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, प्लस, माइनस का अंदर आके क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसमें ए प्लस बी का और ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे तो कुछ नहीं, इसका क्या हो जाएगा रखे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता रखे, तो ए और रूट थ्री का स्क्वायर कितना, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हट जाएगा, तीन आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, और माइनस का वैल्यू भी हमारे पास माइनस के लगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, कितनी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये ए कितना हो जाएगा टू, अब कितना ए माइनस लगा करके, अब कितना ए अंडर रूट थ्री, अब ए भी हमारे पास माइनस के है तो कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई माइनस का ए, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस प्लस 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 वन माइनस, तो अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे जाके, तो अंडर रूट चलता रहेगा हमारे पास। अब इसका भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जाके, तो हमारे पास इसका भी आ जाएगा ए स्क्वायर ए अंडर रूट थ्री, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर भी, तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर की तीन और प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए अंडर रूट थ्री प्लस ए, ठीक, ये हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट टू वैल्यू। अब इस तरीके के क्वेश्चन, इनको हम वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, और इसको हम अगर आगे भी एक्सप्लेन करते जा रहे हैं तब भी हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, हम एक स्टेप इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब भी हम आप लोगों के साथ क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा रहे, ए स्क्वायर थ्री ए बी कितना बचेगा रहे, देखो ये किसका था, अब इसको देखो ए क्यू इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और प्लस ए स्क्वायर थ्री प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए अंडर रूट थ्री, अब इसको भी लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई टू ए अंडर रूट थ्री, ये यहाँ पे भी हमने लिखा टू ए मल्टीप्लाई टू अंडर रूट थ्री। अब ये चीज़ देखो, हमारे पास जो वैल्यू निकल जाएगी ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास से वैल्यू, और हमारे पास क्या वैल्यू बची रख के, अरे आप लोग देखना प्लस प्लस की और प्लस प्लस की, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अगर हम इसको निकलते हैं तो अंडर रूट कितनी आ जाएगी, एट ए स्क्वायर प्लस टू ए अंडर रूट थ्री, तो ये किसका आएगी, बी सी आएगी, तो हमारी तीनों को जो बराबर आता है, यह समबाहु त्रिभुज नहीं है क्योंकि इसकी दोनों भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी इक्वल टू नॉट, क्योंकि इसकी बी सी बराबर नहीं है, इसलिए आगे इसका सोल्यूशन हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आगे इसका सोल्यूशन हम नहीं करेंगे, इसीलिए इसका बी सी ओके। अब इसका हम क्या करेंगे, सेवन का
ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड काम क्या करेंगे जाके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगा होगा, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन आपकी बुक में था इसलिए कराने का फर्ज था। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। राहें मिलेंगी प्यार करने की, आज आप लोगों को क्वालिटी भी सही से नजर आ रही होगी जाके, क्या क्वालिटी भी आप लोगों को सही से नजर आ रही होगी। आप लोग जब तक क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करते रहो अपने सभी दोस्तों के पास। समेट लो इन नाजुक पलों को, क्या समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ए लम्हे कल हो ना हो। समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ए लम्हे कल हो ना हो। चाहे हो भी ये लम्हे, चाहे हो भी ये लम्हे, क्या मालूम इन उन सामिन लम्हों में हम ना हों। क्या मालूम उन सामिन लम्हों में हम ना हों। तो आगे देखो क्वेश्चन, जो लम्हे हों उसको एंजॉय करते जीते रहो और क्लास को बड़ा इंटरेस्ट से लो। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कठिन हो तो उसको बड़ा आप चेस फुल करके कि अरे मैथ इतनी कठिन है, हमारे साथ जुड़ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों को पता ही कि आप लाइन बेच के लिए आप लोग नंबर है 9369034421 पे संपर्क कर सकते हैं। और जिस भी बच्चे को ऑनलाइन बेच लेना है तो 9369034421 पे आप लोग के व्हाट्सएप पे 199 बेच में जुड़ के आप अपने परशुराम बेच में जुड़ सकते हो। ओके, आगे आप लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, अब क्या दर है सेवन का हमने पार्ट जी पार्ट, सेवन का जी पार्ट, सेवन का जी पार्ट कह रहा कि सिद्ध कीजिए समद्विभाग ध्रुवजन, सिद्ध करो कि 10, -18, 3, -6, -5, 2, 1 सम देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि लाइट बंद कर पंखे बंद करके रात को 12 बजे वीडियो शूट हो रही है। अभी आपको कुछ दिन लाइव में दिखाएंगे हम कैसे वीडियो को शूट करते हैं, इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो आपको क्लास को जल्दी से लाइक करो सभी के दोस्तों के पास। तो आगे देखा सेवन का जी पार्ट समद्विभाग ध्रुवज, समद्विभाग ध्रुवज सिद्ध करने के लिए हमने क्या उसकी तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, कुछ नहीं। देखो आप लोग की हर बात पे हम फोकस करते हैं कि जो आप लोग कहते हो उसी बात पे, क्वालिटी बढ़ाने के लिए सर राइटिंग सही से लिखो, हर चीज पे फोकस करते हैं। बस आप मेरी बात को एक बार विश्वास करो, पूरी बुक का सोल्यूशन कराएंगे। तो देखो ए बी सी, अब ए बी हमें कितना देगा, एक्स टू एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू में देगा 6 - 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू में रखा है कितना, एक्स टू में कितना रखा है, एक्स टू 3, वाई टू में रखा है 6 - 18। तो देखो 10 में से 3 के 7 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 के प्लस 18 6 24 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता 576। तो हमारे पास इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 की 5, 7 4 11 12 की 2, 5 1 6 625। फिर से जोड़ेंगे 9 6 15 की 5, 7 6 11 12 और 4 1 5, तो कितना आ गया अंडर रूट 25 का 625 का स्क्वायर। क्या निकाले इसका हमने, ए बी निकाल लिया। अब इसका क्या निकालें, बी सी निकालें, क्या निकालें बी सी। तो सिंपल क्वेश्चन है, बी सी निकालेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होते हैं। अब एक्स टू में कितना रखा, माइनस के 5
और एक्स वन कितना रखा हमारे पास, तीन, माइनस तीन, प्लस वाई टू में कितना रखा, दो, और वाई वन कितना हमने रखा है, छ। तो माइनस का अंदर आके माइनस के आठ, माइनस के आठ का स्क्वायर, माइनस के आठ का स्क्वायर, छः में से दो गए चार, माइनस के चार का स्क्वायर, तो आठ का स्क्वायर कितना होता है, चौंसठ, प्लस चार का स्क्वायर सोलह, तो इसको छः चार दस, सात एक आठ, अंडर रूट अस्सी आ गई। अब देखो इसका हम क्या निकालेंगे कि सी ए निकालेंगे, तो सी ए भी बहुत सिंपल होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आप लोगों को तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि सर वैल्यू कैसे रखते हैं, तो सिंपल है, जब ये भी हमने पिछली क्लास इसलिए बेसिक देखो के रखे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। हमने पिछली क्लास में ए बी निकालेंगे तो इसको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, जब बी सी निकालेंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, जब सी ए निकालेंगे तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इस तरीके से। अब एक्स टू में पास कितना रखा, दस, और एक्स वन कितना, माइनस का पाँच, वाई टू में कितना रखा, माइनस के अठारह, माइनस के दो, और कितना हो गया कि माइनस के पंद्रह, और माइनस के बीस, पंद्रह का स्क्वायर होता 225, बीस का स्क्वायर होता 400, तो आ गया हमारा अंडर रूट 625, 625 होता है क्या 25 का स्क्वायर। तो कोई दो भुजा हमारी क्या हो गया कि ए बी बराबर है किसके, सी ए के, क्या ए बी बराबर है तुम्हारे सी ए के, यही हमें सिद्ध करना था कि कोई दो भुजा बराबर होने से समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कोई दो भुजाओं का, क्या कोई दो भुजाओं को समान सिद्ध करना पड़ता है, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर करने पड़ते हैं। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अब सेवन का हमने लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, तो अभी तक हमने बहुत प्यार से सभी सेवन की पार्ट डिस्कस करें, कोई क्वेश्चन कठिन थे कोई सरल थे, तो आप लोग प्यार से क्लास को लाइक करते हो, अपने सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए, जो भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में है, और जहाँ पे भी हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की निर्देशांक ज्यामिति आ रहे हैं, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सी भी एक्सपायर्ड यूनिवर्सिटी है, एम जे पी आर हो, तो आप लोग वहाँ हर जगह क्लास को लाइक करिए और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा नहीं पाँच पाँच दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आपको जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे साथ इतनी मेहनत करोगे। दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, क्या दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच जज्बात को भी ठुकरा देते हैं लोग, सच जज्बात को ठुकरा देते हैं लोग, क्या देखेंगे तो इंसानों का मिलन, क्या देखेंगे तो इंसानों का मिलन, साथ बैठे दो परिंदों को उठा देते हैं लोग, साथ बैठे दो परिंदों को उठा देते हैं लोग। तो आगे हम डिस्कस करेंगे सेवन का लास्ट पार्ट, तो आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक करते रहे, देखो कितनी इंटरेस्टिंग क्लास आपको के लिए हम शेयर करते हैं और बनाते हैं, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी सेवन का लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेवन का लास्ट पार्ट, सिद्ध करो कि त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः दिए हैं, इसके त्रिभुज के शीर्ष ए दिया हमें 3.5 और बी दिया हमें 6.9 और सी दिया हमें 2.6, तो सम द्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना, सम वो सिंपल है, बिल्कुल उसी की तरह है, तो ठोक दो लाइक, क्लास को शेयर करते रहो सब्सक्राइब, और जल्दी से अपने ऑफलाइन कोचिंग में आप लोग शामिल हो सकते हैं। हमारी क्लास की टाइमिंग है 5 से 6 मैथ की और इंग्लिश की, उसमें हम जेनेटिक्स ऑफलाइन वाले बच्चों को सबको फ्री में देते हैं, पढ़ाते हैं, और प्लस हर सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और ऑफलाइन कोचिंग हमारे जुड़ सकते हैं,
आप लोग हमारी गाइडेंस ले सकते हैं कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है, और हमसे मिलकर अपनी परेशानी को बता सकते हैं। तो हम पहले इसका क्या है, ये भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका, ये भी। तो सिंपल तरीके से निकालेंगे, ये भी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है। अब देखो एक्स टू हमारे लिए, तो ए बी हमने निकाले तो एक्स टू कितना, छः माइनस तीन, कितना छः माइनस तीन। अब देखो प्लस वाई टू हमारे पास कितना, नौ माइनस पाँच। तो देखो छः में से गए तीन, अंडर रूट तीन का स्क्वायर, नौ में से चार पाँच गए चार, चार का स्क्वायर। तो तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ, चार का सोलह। तो अंडर रूट कितना आ गया हमारे पास से, पच्चीस, पच्चीस किसका होता है, पाँच का। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पाँच। तो आप लोगों को सब अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। फिर करेंगे मैं बी सी निकालेंगे, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू हमारे पास, अगर हम बी सी निकालें तो एक्स टू कितना होगा, दो माइनस के, और ये कितना होगा कि दो माइनस तीन। फिर से देखो एक्स टू हमारे पास कितना, छः, और एक्स वन कितना होगा, एक्स टू हमारे पास दो माइनस के छः, दो माइनस के छः। हाँ कोई भी क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकती है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफलाइन बच्चा नहीं बैठा है रात को 12 बजे, तो आप लोग हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी हमने इसका करके रहते हैं। यही तो हमारी खासियत है कि हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसका सॉल्यूशन बहुत कम चांसेस में रहते हैं, अगर बहुत क्वेश्चन हार्ड है तो हम डायरेक्टली आप लोगों के सामने ही क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास कितना है, वाई टू कितना है, छः और माइनस नौ। तो छः में से दो का कितना आगे रखे, माइनस के चार, और नौ में से छः का कितना रखे, माइनस के तीन। तो चार का स्क्वायर सोलह, नौ का स्क्वायर पच्चीस, कितना आगे पच्चीस, तो कितना आगे पाँच। हमारा क्या आएगा, बी सी भी निकल आएगा। आप देखो हम निकालेंगे सी ए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आप देखो सी ए में एक्स टू कितना होगा तीन, और एक्स वन कितना होगा दो, प्लस वाई टू हमारे पास कितना है, पाँच और छः। तीन में से दो गया एक, और पाँच में से गया माइनस का एक स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारे पास, एक प्लस एक, अंडर रूट कितना आ गया, टू। ठीक, समय का संभव त्रिभुज को करने के लिए कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, ए बी बराबर आ गया बी सी के। जब भी कोई दो भुजा बराबर होते हैं तो क्या तुम्हारा राइट आंसर नवीजा से या क्या है, संभव त्रिभुज है। तो आप लोग क्लास को लाइक करो अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी, और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी क्लास को। अब आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी डिस्कस करते रहिए क्लास को। आप लोगों को सैटरडे और संडे क्लास में होंगी, इसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी, आप लोग कह रहे थे इसकी सर क्वालिटी नहीं आ रही, इसीलिए आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लानी पड़ी, लाइटें बहुत सारी लानी पड़ी। आप लोग देख रहे कितना पसीना निकल रहा है, देखो इतनी गर्मी भी नहीं है लेकिन क्योंकि इतनी सारी लाइटें लगी हैं, पंखा भी फैन बंद करना पड़ता है आप लोगों का क्योंकि वॉइस सही है, और आप लोगों के लिए रात को वीडियो शूट करने पड़ते हैं। अब हमारे सेवन के सभी पार्ट ने डिस्कस कर लिए, अब हम एट के पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके और आगे बढ़ते रहिए, अपना अपना नाम बताते रहे आप लोग कौन कौन से कागज से जुड़े हुए बच्चे हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है कौन कौन से कागज से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आशा करिए आप लोग पूरी बुक का सोल्यूशन कराएंगे बिल्कुल बिल्कुल तरीके से। शायरी सुनाते, नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, क्या नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार ही को मिटाए जाते हैं, रिश्ते नहीं। नाखून बढ़ने पर नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी प्रकार अगर रिश्ते में आपके दरार आए तो दरार को मिटाएं, रिश्ते नहीं।
कैसे मुस्कुराई लम्हों के सामने। मेरी इतनी रहन अच्छी नहीं है आप लोगों के सामने, क्योंकि यहाँ पे कैमरा है, इसी के सामने जो बोलना है चलना है। अब आप लोगों को लाइव भी क्लासे किया करेंगे, लेकिन लाइव क्लास की टाइमिंग हमें आगे की रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा होता है। लेकिन देखते आगे, जो भी हमारे पास अभी इतनी इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास डिवाइस नहीं है कि इसके लिए लाइव के लिए, क्योंकि लाइट चली जाना तो बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो एट का ए पार्ट करा लिखो आप लोग, लिखा कि निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करो और सिद्ध करो कि आयत के शीर्षक हैं और क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई भी बताना, क्षेत्रफल भी बताना आयत का। बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, डिस्कस करेंगे। पार्ट का ए पार्ट क्या दिया है, माइनस चार कामा माइनस चार, सोलह कामा आठ, दस कामा चौदह और माइनस के दो कामा दो। इतना हार्ड भी नहीं क्वेश्चन है, बस आपको देख रहा है। सबसे पहले इसको क्या करा, ग्राफ पे बनाओ। तो ग्राफ पे हम एक ही पार्ट कराते जाएंगे, फिर हम रेजर भी करते। ये होता हमारा वाई वन, ये होता वाई, ये होता एक्स, ये होता एक्स माइनस माइनस। अब देखो दो चार छ आठ दस बारह, सबसे बड़ी संख्या कितनी है एक्स की, कितनी सबसे बड़ी है दस, वाई कितनी है अठारह, सोलह एक्स की है। किसके तो दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह, ठीक। फिर दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह, दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह, दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह। अब आपको हम नंबर पॉइंट कराएंगे, दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह, माइनस माइनस, दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह, दो चार छ आठ दस बारह चौदह। ये आपकी मर्जी है, आप कितने का पेड़ मानते हैं, आपके पास ग्राफ को दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह, ठीक। बहुत अब आप समझते हो कि एक्स प्लस का होता है माइनस का होता है, प्लस का वाई, इसमें होता है प्लस प्लस एक्सेस, इसमें होते हैं माइनस माइनस एक्सेस, इसमें होते हैं माइनस प्लस एक्सेस, इसमें होते हैं प्लस माइनस एक्सेस। यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस एक्सेस, ठीक। आप समझो क्या दे रहा है, चार कमा माइनस चार, प्लस की वैल्यू हमारे पास कितनी है चार, प्लस की चार वाई की माइनस चार, कहाँ पाएगा कुछ यहाँ पे। हम यहाँ पे अलग से मार्कर से आपको एक्स की प्लस की चार वाई की माइनस चार, तो कहाँ पे आगे, तो लिखेंगे चार कमा माइनस चार। फिर देखो एक्स की कितनी सोलह, वाई की कितनी आठ, मतलब कुछ यहाँ पे सोलह आठ। फिर देखो अब इसकी एक्स की कितनी दस, वाई की चौदह, एक्स की दस वाई की कितनी है चौदह, कहाँ पे आएगा दस कमा चौदह। फिर देखो एक्स की कितनी है दो, माइनस के दो, वाई की प्लस के दो, माइनस के दो। अब कह रहा सिद्ध करो कि यह आयत है, वो सिंपल से देखो ये वाली भुजा बराबर हमारे इसकी और ये वाली भुजा हमारे बराबर है इसकी, तो क्या होगा हमारा प्रूफ होगा कि आयत है। आयत क्या होते है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, या कह सकते हैं जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। ये हमारे क्या इससे सिद्ध होगा कि यह आयत है। अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन को मैं ग्राफ पे आयत के सिर से, अब आयत का क्षेत्रफल निकालना और विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो हमें सबसे पहले विकर्ण की लंबाई पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर सी डी निकालना पड़ेगा, फिर डी ए निकालना पड़ेगा, फिर इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके हम अगले पार्ट पे चलेंगे, तो आपको हर चीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन तरीके से समझ में आएगी। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो समझ गए, क्योंकि बोर्ड पे हर चीज को एक साथ नहीं समझा सकते। अब देखो समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से,
आयत क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वाली भुजा बराबर है इसके, ये बराबर है इसकी, इसको हमने दिया ए बी सी डी डी। अब ए की वैल्यू में देख रखे है 4, -4, बी की वैल्यू में रखे 16, 8, सी की वैल्यू में रखे 10, 14 और डी की वैल्यू रखे -2, 2। तो पहले निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, फिर बी खाना निकालेंगे ए वाली, तो हमारा क्वेश्चन प्लस सही होगा। तो छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे तो आपको लेकिन समझ में आएगी चीज। क्या निकालेंगे इसका, ए बी निकालेंगे, ए बी सी डी। तो ए बी निकालेंगे, देखना x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो अब x2 हमारे पास 16 - 4 प्लस y2 हमारे पास कितना 8 - -4। तो देखो 16 में से गए 4, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब अंदर गया तो माइनस का होगा प्लस का, और 12 हो गया, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, 144 हो गए 288, कितना आ गया 288। इतना ही रखेंगे अभी। अब पहले हमने निकाले ए बी, अब निकालेंगे इसका बी सी निकालेंगे। फिर से फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो अब हमारे पास क्या बी सी निकालेंगे, तो एक्स टू कितना है 10, एक्स वन कितना है 16, वाई टू में कितना दे रखा है वाई टू 14 - 8, 16 में से 14 -6 का स्क्वायर कितना 36, और 14 में से आठ गया 6 का स्क्वायर कितना 36, तो कितना आ गया अंडर रूट 72। ठीक, अब इसका निकालेंगे हम सी ए, क्या निकालेंगे सी ए निकालेंगे, तो सी ए सी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे सी डी। तो देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास कितना दे रखा -2 - 10 प्लस y2 में कितना दे रखा y2 2 और -14। तो देखो 10 और 2 - 12, -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 12 में से 2 = 14, -12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 288। ठीक, अब इसका निकालेंगे हम डी ए, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 हमारे पास कितना रखा है 4 - -2 का स्क्वायर + y2 में कितना रखा है -4 - 2, 4 माइनस का अंदर के प्लस का 6 का स्क्वायर अंडर रूट 36, और इसका -6 + 6 कितना होगा 36, कितना का अंडर रूट 72। ठीक, अब इसका हम करेंगे क्या ए सी और बी डी विकर्ण, और निकालेंगे ए सी, क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे। अब ए सी कैसे निकालेंगे, रखे x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल है, सिर्फ वन प्लस का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई टू। अब हम निकालेंगे ए सी, तो ए में एक्स टू कितना होगा 10 और एक्स वन कितना -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू में कितना होगा रखे 14 - -4, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके साफ साफ दिख रहे थे, ऐसे नई चीजें समझ में आया। 10 में से 4 के कितना बच रहा है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस का अंदर रखे प्लस 14 - 4 = 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का स्क्वायर होता है 324, जोड़ लो
4 6 10 3 2 5 1 6 और 3 कितना करेंगे 324 और 360 अंडर रूट 360। ये किसका बेसिस निकला, अब हम निकालेंगे इसका बीटी। बीटी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखो हम निकालेंगे बीटी, हमसे कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, एक बार हम देखें। हाँ कोई नहीं क्वेश्चन, अब निकालेंगे बीटी। तो एक्स टू हमारे पास कितना होगा माइनस के दो, इसको दे देते कितना आगे जाके विकर्ण निकालेंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर आगे हम चलते हैं। क्षेत्रफल अब निकालेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे तो हम देख लेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हमने फार्मूला बता रखा, वही फार्मूले से क्वेश्चन को निकाल लेंगे। कौन से जो हमारे पास फार्मूला बहुत सिंपल वाला फार्मूला, तो उसी फार्मूले को हम डिवाइड, हम उसका क्या निकालेंगे जाके क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बहुत आसानी से इसको दो तरीके से निकाल सकते, एक तो हम त्रिभुज के तरीके से निकाल सकते, दूसरा हम क्या तरीके से डायरेक्ट आयत के तरीके से निकाल सकते। तो वही तरीका में बेस्ट, अब कभी समय ये याद नहीं होता तो उसकी ट्रिक होती 12 23 और 34 41 12 23 34 41 इस तरीके से आपको याद कर सकते हैं। तो देखो 1/2 एक्स वन कितना है 4, वाई टू में कितना हमारे पास दिया 8 प्लस एक्स टू हमारे पास कितना दिया 16, वाई थ्री में दे रखा 14 प्लस एक्स थ्री में दे रखा 10, वाई फोर में दे रखा 2 प्लस एक्स फोर में दे रखा माइनस का 2 मल्टीप्लाई वाई वन में दे रखा माइनस के 4 ठीक माइनस। अब देखो वाई वन में कितना रखा माइनस के 4 और एक्स टू में दे रखा 16 प्लस, अब एक्स टू हमारे पास कितना रखा, इधर देखते रहो उधर देखते रहो, एक्स टू में वाई टू में कितना रखा, वाई टू में रखा है 8 और एक्स थ्री में रखा 14 यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और हमारे पास वाई थ्री कितना रखा है वाई थ्री 10 नहीं फिर से देखो वाई टू में कितना रखा है वाई टू 8 और एक्स थ्री 10 और वाई थ्री में कितना रखा है वाई थ्री में कितना रखा 14 प्लस और एक्स फोर कितना रखा 2 प्लस एक्स फोर कितना माइनस के 2 प्लस और वाई फोर कितना मैंने रखा माइनस के 2 और वाई वन एक्स वन कितना रखा 4। तो इसमें वैल्यू रखने में ही क्वेश्चन दिक्कत ना, बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1/2 ब्रैकेट 8 6 32 14 6 56 के 6 हासिल है 5 14 6 56 16 6 64 16 6 32 14 42 16 64 और 16 6 64 के 4 हासिल 6 16 6 16 और 6 कितना हो गया 22 इधर 14 6 56 14 28 सही है, मिस्टेक हो जाती है भाई, माइनस प्लस प्लस कितना आ गया 8 माइनस 16 6 64 माइनस के कितना आ गया 64 प्लस 10 8 80 और प्लस माइनस 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 के कितना आ गया 32 प्लस माइनस 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 के कितना आ गया 8। अब ये माइनस अंदर आके जो वैल्यू प्लस के वो माइनस की जो माइनस की जाएगी। तो फिर जोड़ो 20 8 और 4 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8 और 2 284 फिर से जोड़ो 224 24 और 8 कितने हो गए 232 232 और 2 234 34 और 50 हो गए 284 बिल्कुल सही बात। अब देखो माइनस माइनस कितने होंगे रखे हमारे पास, माइनस का अंदर आके इधर कितना रहेगा प्लस के 64 माइनस के 80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 माइनस के 8 और प्लस के एक साथ माइनस के एक साथ जोड़ देंगे और 204 माइनस के कितना है 80 और 8 88। अब इसको जो 84 4 4 8 2 10 का 0 हासिल आए 1 3 और 1 4
480 हो गया रखे भाई, कुछ 384 में 32 जोड़ोगे रखे 386, हाँ सर 380 हो गया, ब्रैकेट बंद माइनस के जोड़ लोग रखे 888 10 में से 8 गया कितने बचेगा कि 2, यहाँ बचे रखे हमारे पास 7, 17 में से 8 गया रखे 9, 192 292 182 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